सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने जो केस स्टडी रखी जा रही है वो है आपके SSW में किस तरीके से जो है टॉयलेट बनाने से नुकसान हुआ बंदे को, इस केस स्टडी को आपके सामने रखा जा रहा है। अमूमन होता क्या है कि जब YouTube से वीडियोस लोग देखते हैं, उन्हें देख देख के ही उन्हें थोड़ा सा भी आराम मिलने लग जाता है, फिर वो ये सोचने लग जाते हैं कि हम इनसे देख के ही सारे काम कर लें और हमें आराम तो मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उन्हें झटका लगता है, एकदम से नुकसान होता है, तब फिर वो कहते हैं कि या तो ये वीडियो गलत है या फिर हमारा समय गलत है। तब वो भागते हैं, तो उधर लोगों से कंसल्ट करते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो गई है एकदम से, हम तो वास्तु के ही सब रेमेडीज कर रहे थे यूट्यूब से देख देख के। इसका कारण क्या है, जब आप YouTube पे वीडियो देखते हैं तो वो हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि जब हम महावास्तु करते हैं, महावास्तु के साथ हम एस्ट्रो वास्तु को भी ज्वाइन करते हैं कि कुंडली में उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। अभी जो केस स्टडी है ना, उसमें यही प्रॉब्लम हुई। बंदे ने क्या किया, उसका SSW में टॉयलेट नहीं था, ठीक है, और साउथ साउथ वेस्ट में आपको पता है कि महावास्तु में बताया जाता है कि साउथ साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट बनाइए और उसका बहुत सटीक रिजल्ट होता है। और इस बंदे का जो है SSW में टॉयलेट नहीं था और बहुत अच्छा चल रहा था उसके पास, उसके लाइफ अच्छी चल रही थी। अब उसने क्या करा कि उसने YouTube में देखा और उसने कहा कि मेरी टॉयलेट तो SSW में नहीं है, जबकि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तब भी उसने क्या करा, SSW में टॉयलेट बनवा डाली, ठीक है। अब उसके उल्टे दिन चालू हो गए, उल्टी गिनती चालू हो गई उसकी लाइफ की, परेशानियाँ बढ़ने लगी उसकी लाइफ में। अब वो शौक हुआ कि ऐसा क्या चक्कर पड़ गया, महावास्तु की सारी रेमेडीज वर्क करती है, SSW में टॉयलेट बाकी में बहुत आराम देती है, तो इसमें अब क्या हो गया। उसका कारण क्या है कि इस बंदे की मकर लगन की कुंडली थी, ठीक है, और जो आपका सेकंड लॉर्ड था, जो पैसे का जो लॉर्ड था सैटर्न, वो बैठा था आपके 5th हाउस में, ठीक है। और 5th हाउस में तो अच्छा है, उसका सब कुछ अच्छा ही होना है, जो कुछ भी करेगा उससे पैसा आना ही आना है, और अच्छा खासा पैसा आ रहा था। लेकिन उसने जब जो गलती करी, उसने क्या करा, SSW में टॉयलेट बना ली, और SSW की डायरेक्शन जो है उसके लिए, ये समझ लीजिए कि उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन थी। क्यों? क्योंकि जो हम हाउस एक्टिवेशन करते हैं, जो प्लेनेट एक्टिवेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि हम चले तो सैटर्न का जो है SSW में, इस बंदे के लिए सैटर्न का SSW में जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता, ठीक है। यदि वो SSW में अपना लॉकर बनाता तो उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। उसने वहां पे लॉकर नहीं बना रखा था, लेकिन वहां पे टॉयलेट भी नहीं थी पहले, वो साफ पड़ा हुआ था वो एरिया, तो उसके पास पैसे की भरमार थी। लेकिन जैसे ही उसने ये काम करा और SSW में टॉयलेट बनाई, तो उसे प्रॉब्लम चालू हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि पैसा मेरा कहाँ गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे अधिकतर हर वीडियो में कहती हूँ कि आप YouTube से देख के एकदम से मत करिए इन चीजों को। अभी जो पिछली वीडियो में मैंने केस स्टडी आपसे शेयर करी थी, उसमें जो है पैर में धागा मारने से जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जब तक कुंडली सर्च नहीं करी जाएगी, देखी नहीं जाएगी, तब तक हम किसी भी थ्योरी पे नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही जब तक किसी के घर का नक्शा नहीं देख सकते, तब तक हम थ्योरी पे नहीं पहुंच सकते। और आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि जब आपको प्रॉब्लम हो तभी आप घर में किसी चीज को छेड़िए। अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप ना SSW को छेड़िए, ना आप ESC को छेड़िए, ना नॉर्थ को छेड़िए, किसी को मत छेड़िए। और अगर छेड़ना है तो जिसके रिगार्ड आपको प्रॉब्लम है उसी एरिया को छेड़िए, तभी उसका रिजल्ट मिलता है। आपके प्रॉब्लम नहीं है, घर से भी सब बैलेंस है, और आपने बेफालतू SSW में टॉयलेट बनाती है, तो नुकसान तो होना ही होना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब शॉर्टली ये है कि आप वीडियोस को देख के एकदम से रिजल्ट मत करिए, नुकसान हो सकता है और होता है। अधिकतर सारी चीजें पिकअप करके तभी जो है रेमेडीज बताई जाती हैं। तो इन बंदे को भी हमने रेमेडीज बताई, अब वो SSW में टॉयलेट बन चुकी थी। अब उसको हटाने के लिए फिर वही चीज है, राहु को छेड़ना, फिर राहु को एक्टिवेट करना। तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा रेमेडीज बताई गई उसके हाउस को एक्टिवेशन करने के लिए, सेकेंड हाउस को एक्टिवेट किया गया। और इसके साथ ही कुछ जो है उनको महावास्तु की रेमेडीज भी बताई गई, जिससे SSW उनको पॉजिटिव रूप में उनके सामने आए। तो ऐसी ही जो भी मैंने आपसे केस स्टडी आपसे शेयर करी है, ऐसी ही थ्योरी आपको अभी जो 9 सितंबर से कोर्स स्टार्ट है, एस्ट्रो वास्तु विद हिट थ्योरी, इसमें ये सब चीज़ें शेयर करी जाती हैं, समझाई जाती हैं कि आपको टॉयलेट कहाँ बनाना है अपनी कुंडली के अनुसार, आपको अपने जो है किचन कहाँ बनानी है अपनी कुंडली के अनुसार, और यदि आप नहीं बना सकते तो आपको उस जगह को कैसे सेफ रखना है कि आपको नुकसान ना हो। अधिकतर बंदे कहते हैं हम लॉकर कहाँ रखें, अपनी कुंडली के अनुसार अपना लॉकर कहाँ रखें, अपनी कुंडली के अनुसार अपना पैसा कहाँ रखें, तो वो सब इसमें शेयर करा जाएगा इस कोर्स में। आप चाहे तो इसको ज्वाइन करके इसको फायदा उठा सकते हैं।
तो चलिए उम्मीद है आपको इस वीडियो से एक कुछ जानकारी अच्छी मिली होगी, मतलब सीखने को कुछ मिला है या नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट इतना तो समझ आ गया होगा कि कभी भी जो है अपने घर को देख के वीडियोस से मत छेड़िए, जहाँ प्रॉब्लम है उस चीज़ पे काम करिए, अदरवाइज उनको टच मत करिए, क्योंकि जो आप मकान बनाते हैं उसमें जैसे मकान बनता है वहाँ के जो एनर्जीज हैं वहाँ वो स्थापित हो जाती हैं। जब आप उन्हें छेड़ते हो बिना उनको नमन किए, उनसे परमिशन लिए छेड़ते हो, फिर वो अपना हावीपन दिखाती हैं, आपको नेगेटिव रिजल्ट देती हैं, फिर आप दोष देते हो यूट्यूब को। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक के वैसे जय श्री कृष्ण।